For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इस शनिवार बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान ने अपना 54वां बर्थडे मनाया और इस खास मौके पर फैंस ने दिल खोलकर उन्हें विश किया। सिर्फ फैंस ने ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई इनसाइडर्स ने भी उन्हें इस स्पेशल डे पर बधाई दी। मगर सबसे खास विशेष थी किंग खान के दुश्मन बने दोस्त सलमान खान की। जी हाँ, सलमान खान ने अपने दबंगी अंदाज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जहाँ वो सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, आयुष शर्मा और सोहेल खान के साथ मिलकर शाहरुख के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। इस क्वर्की वीडियो के एंड में सलमान खान ने हंसते हुए कहा, फोन तो उठा लेते मेरा। अब इस खास विश को देखकर इंटरनेट पर धमाका हो गया और सभी इस करण अर्जुन जोड़ी की कॉमरेड को देखकर काफी खुश हुए। किंग खान भी इस पोस्ट को देखकर खुश हुए और साथ ही इमोशनल भी, और इसी इमोशनल मोमेंट में उन्होंने बी टाउन के सुल्तान सलमान खान को थैंक यू कहते हुए एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, थैंक यू भाई, आपको बहुत मिस किया आज। But you were making people happy in Hyderabad, which is my mom's city. Love you and thank you for the wishes. Come back fast so I can get a birthday hug from you. Wow! SRK के इस पोस्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन सलमान के बिना अधूरा रह गया। और अब हम सबको इंतजार है उस दिन का जब ये दोनों खान्स मिलकर इस अधूरे सेलिब्रेशन को पूरा करेंगे। तो तब तक आपको सलमान की विशेज और शाहरुख के रिस्पॉन्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें बताना न भूलें। जब भी सलमान खान डांस करते हैं तो सिर्फ सलमान ही नहीं झूमते बल्कि उनके साथ पीछे के बैक डांसर्स तो झूमते ही है, पूरा स्टेडियम हिल जाता है। यस, और फिलहाल मैं बात कर रही हूँ द बैंग टूर की। द बैंग टूर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर टूर्स है जो कि एक बार जब शुरू हुआ तो उसके बाद से चलता ही आ रहा है। पहले अब्रॉड में होता था, अब तो हैदराबाद में द बैंग टूर हुआ है और हैदराबाद की पब्लिक ने क्या सीटियां बजाई है जब सलमान ने डांस किया है। बेबी को बेस पसंद है। जी हाँ, डेफिनेटली सलमान जब डांस करते हैं तो दिल खोल के डांस करते हैं, वो स्टेप्स पे फोकस नहीं करते, या फिर ऑब्वियसली करते हैं बट स्टेप्स उनका मेन मुद्दा नहीं होता। उनका मेन मुद्दा होता है कि जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं वो एंजॉय करें उनके डांस को देखकर और वो दिल से फील करें उनके डांस के कनेक्शन को। सो कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस हाल ही में हमें देखने को मिला जब द बैंग टूर में सलमान खान डांस करते नजर आए, फुल ऑन पाड़ू मोड में, फुल ऑन मस्ती वाले मोड में नजर आए। साथ ही साथ काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज हुई, सोनाक्षी भी हैं, गुरु रंधावा, साथ ही साथ मनीष पॉल, जैकलिन और डेजी शाह। जैकलिन के साथ परफॉर्मेंस करते वक्त सलमान काफ़ी नोकझोंक हंसी मजाक करते हुए नजर आए जब वो किक के गानों पर डांस कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से एक अच्छा माहौल हैदराबादी ऑडियंस को मिला जहां पर उन्हें द बैंग टूर का हिस्सा बनने का मौका मिला और धमाकेदार परफॉर्मेंसेज हुई वहां पर, जिसमें सबसे बैंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफकोर्स दबंग हिमसेल्फ, चुलबुल पांडे हिमसेल्फ, सलमान खान की थी। सो आपको सलमान की परफॉर्मेंस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। इस बार मोस्ट वांटेड भाईज जो हैं यानी कि अक्षय कुमार और सलमान खान एक साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार क्लैश करने वाले हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहा। अक्षय कुमार के साथ साथ धमाकेदार क्लैश करते नजर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान, क्योंकि जैसा सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी थी कि वो E2020 पर आएंगे जरूर कोई ना कोई फिल्म लेकर, और वो कमिटमेंट उन्होंने पूरी कर दी जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो राधे से E2020 पर आ रहे हैं। और जहां तक कि हम जानते हैं कि लक्ष्मी बॉम्ब जो है वो ऑलरेडी अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं E2020 पर, तो अब ये सवाल तो जायज है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश तो करेंगी लेकिन कौन सी फिल्म ज्यादा चलेगी और कौन सी फिल्म नहीं, बिकॉज दोनों ही फिल्म्स का अपना ही ऑडियंस है, दोनों ही एक्टर्स की अपनी अलग क्रेजी फैन फॉलोइंग है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो फिल्में आती है तो दोनों ही फिल्में अच्छी चलती हैं, शायद इन फिल्मों के साथ भी ऐसा होगा बिकॉज अक्षय एंड सलमान बोथ आर पावरफुल एक्टर्स। साथ ही साथ पूरी की पूरी टीम जो है वो धमाकेदार है, इनकी स्टोरीज दोनों बहुत धमाकेदार है। राधे का सॉलिड बज है, लक्ष्मी बॉम्ब का थोड़ा हॉरर कॉमेडी इंक्लूडेड है तो वो उसका सॉलिड क्रेज है, बस बहुत ज़्यादा है। तो दोनों फिल्मों में से एज एन ऑडियंस आपसे मैं सवाल पूछती हूँ कि आप किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन आपका है जाकर ज़रूर बताइए। मैं दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा शायद मैं लक्ष्मी बॉम्ब की तरफ नहीं बल्कि राधे की तरफ एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सलमान को वापस से धमाकेदार एक्शन करते देखना इज़ अ ट्रीट टू वॉच। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ। Happy birthday to you. Happy birthday.
birthday to you. Happy birthday, dear Shah Rukh. Happy birthday to you. Very bad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shah Rukh. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shah Rukh. Happy birthday to you. Listen, it's his birthday. You're all here, but there is a team that is working behind the scenes to make sure that this goes on. So everyone, Geetika, Pooja, Karuna ma'am, Bilal, Sneh, just all of us. Come. While sir is cutting his cake, the team should join him. आर्यन तो है ही बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय और उनके हर प्रोजेक्ट पर फैंस की नजर बनी रहती है। कार्तिक की किटी में कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनमें से एक है पति पत्नी और वो का ऑफिशियल रीमेक। ये फिल्म 1978 की सुपर हिट फिल्म का रीमेक है। पिछले महीने ही तो मेकर्स ने इस फिल्म के लीडिंग स्टार्स के फर्स्ट लुक्स हमारे साथ शेयर किए थे। माई 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 कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे के अनोखे लुक्स ने हम सबको इम्प्रेस भी कर दिया था। और अब एक और गुगली मूव के चलते मेकर्स ने इस फिल्म ट्रेलर को भी अनवील कर दिया है और इस रोम कॉम के ट्रेलर ने लॉन्च होते ही सभी का दिन बना दिया। मंडे को जब अक्सर लोग अपने काम की भाग दौड़ में बिजी होते हैं, मेकर्स ने इस ट्रेलर को अनवील करके सभी को एक हंसी की राहत दी, जिसे देखकर सभी काफी इम्प्रेस हुए। वेल, फिल्म की रिलीज के पोस्टपोन होने से जो फैंस अपसेट हुए थे, वो भी इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर अपनी नाराजगी भूल चुके हैं और अब हम सब मिलकर इस अनोखी लव स्टोरी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। और आप अपनी राय हमें जरूर बताएं।